हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2019 को 5 मई को जो पेपर डे रहेगा, उस दिन आपका क्या स्केड्यूल रहेगा। तो आपका एग्ज़ाम टाइम 2 बजे दोपहर से 5 बजे तक रहेगा, तो लेकिन आपको 1:15 और जो अभी नया सर्कुलर आया है NTA का, उसमें आपको 12:30 PM तक पहुंच जाना है, और 1:15 PM तक आपको एग्जामिनेशन सीट में, एग्जामिनेशन हॉल में अपना रोल नंबर देख के वहाँ बैठ जाना है, और एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले तो आप पहुँच जाएं। पर मेरे हिसाब से आप 12:30 तक अगर पहुँच जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लेट होने के बाद जो है स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है, तो ये आपके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए आप कम से कम 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले तो पहुंच ही जाए। मेरे हिसाब से 12:30 आपके लिए सही टाइम रहेगा। तो लेकिन उसके बाद अगर आप लेट करते हैं तो फिर वो आपको अंदर नहीं आने देंगे, और 1:30 बजे लास्ट एंट्री होगी आपकी एग्ज़ामिनेशन हॉल में, 1:30 PM। 1:30 से 1:45 में पूरा अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट ऑफ पूरे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड चेकिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड्स चेक होंगे, आपकी चेकिंग होगी, कुछ चीटिंग का जो सामान है वो तो नहीं है आपके पास। 1:45 पे आपके पास टेस्ट की जो बुकलेट होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और 1:50 तक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उसको फिलअप कर लें बाय अपना रोल नंबर और जो भी सर्कल करने रहता है टेस्ट बुकलेट में कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए वो रहेगा। और 2 बजे फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 5 बजे आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद पैटर्न कैसा रहेगा, ये पेन और पेपर का एग्जामिनेशन जैसा होता है वैसा रहेगा, 11 लैंग्वेजेस में रहेगा, और इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन है, पेन पेपर बेस्ड है, क्वेश्चन टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, इसका सिंगल आंसर रहेगा। ये 11 लैंग्वेजेस जो हैं, हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें रहेगा, और 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 180 रहेंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब बॉटनी और जूलॉजी जो रहेगा वो पूछे जाएंगे। और ये 90 क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी के, तो उसमें 360 मार्क्स आप मैक्सिमम रहेंगे उसके। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 45-45 क्वेश्चन रहेंगे, तो 180 मार्क्स बोथ ईच के रहेंगे, और टोटल 180 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पेपर में, और 720 मार्क्स रहेंगे जिसके अंदर से आपको मार्क्स लाने रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग, आप बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, और हर गलत आंसर पर आपको 1 मार्क्स कम मिला जाएगा, और हर सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और आपको जो भी समस्या है नीट की 2019 में आप अपियर हो रहे हैं, तो आप ज़रूर बेझिझक होकर मुझ पर कमेंट में पूछिए, और मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है सारी चीज़ें, ठीक है। जब तक आप स्टे ट्यून रहिए, और भी जो न्यूज़ आ रही है नीट की, स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन्स मिलेंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।